हेलो एवरीवन, सभी जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं और जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि फिजिक्स के कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखते हैं और हमको किस तरीके से इनको रिवाइज करना चाहिए। मतलब आपको मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना है, क्योंकि अगेन सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर बच्चा रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है सिलेबस में तो एंड रिजल्ट उसके पास कुछ नहीं होता और बीच में वो डिमोटिवेशन भी फील करने लग जाता है कि रिविजन मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं हाई वेटेज चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। तो आर यू एक्साइटेड, मुझे जरूर बताएं कमेंट के अंदर कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं इन हाई वेटेज टॉपिक को जानने के लिए और किस सीरीज किस दिशा के अंदर आपको अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करना है। बच्चों, आप सभी क्योंकि जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिस टॉपिक को आप छोड़कर गए होंगे वहीं से आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा पेपर में। ऐसा अक्सर होता है कि जहां से बच्चा क्वेश्चन, मतलब जहां से बच्चा सोचता है कि यार इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है और वो उसको छोड़ जाता है, वहीं से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इससे हमको सीख क्या लेनी है कि 100% सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। तो जिन भी बच्चों का 100% सिलेबस कंप्लीशन नहीं है वो जरूर अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लें। पहला प्लेज यही लेना है, मुझे कमेंट के अंदर ये प्लेज लो मेरे साथ कि आई विल गोइंग टू कंप्लीट माय 100% सिलेबस इन नेक्स्ट 15 to 20 days, है ना। तो हमको सबसे पहले सी पे फोकस रखना है कि हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम रिवीजन जब करेंगे तो रिवीजन किस तरीके से करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस चैप्टर को आपको पहले रिवाइज करना है और किस चैप्टर को बाद में रिवाइज करना है। साथ ही साथ बोर्ड के साथ कैसे तालमेल बैठेगा हमारा, क्योंकि कुछ बच्चे वो हैं जो क्लास 12th में है अभी और उनके बोर्ड्स भी हैं तो उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे इक्विलिब्रियम में आना है, उस पर भी चर्चा होने वाली है। हम ये सब देखेंगे डेटा की हेल्प से कि आज तक के जो पेपर हुए हैं उसमें किस तरीके का रुझान हमको मिले हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बच्चा पूछता है सर क्लास 11th पे ज़्यादा फोकस करूं या क्लास 12th पे। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि क्लास 11th या क्लास 12th लगभग इक्वल वेटेज रहता है जेईई मेंस के पेपर में। आप देख सकते हो 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 का मैं यहाँ डेटा लेकर आया हूँ। 52 क्लास 12th से आया तो 48 क्लास 11th से आया 2023 में। लगभग इक्वल वेटेज है दोनों का, कंट्रीब्यूशन दोनों क्लासेस का लगभग इक्वल है। यहाँ पर 2021 में तो देखिए 49-51 है। इसका मतलब हमको दोनों को इक्वल तरीके से सोचना है, चाहे वो क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, तैयारी दोनों की बराबर करनी है क्योंकि इक्वल वेटेज रहता है। ऐसा नहीं कि आप क्लास 12th पे ज़्यादा फोकस हो जाओ और क्लास 11th पे कम फोकस रहो। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन बोथ दी क्लासेस इक्वली। यू कैन सी डेटा इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हो सारे पिलर्स लगभग लगभग बराबर ही हैं और क्योंकि लगभग लगभग बराबर है इसका मतलब दोनों से वेटेज लगभग बराबर ही है। हल्का सा क्लास 12th का जरूर आपको दिख रहा होगा, उसकी तरफ इंक्लिनेशन है थोड़ा सा ज़्यादा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों ही क्लासेस को इंपॉर्टेंट प्लेस देनी है अपनी स्टडी के दौरान, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने क्या करा, क्योंकि हमको रिविजन करना है तो हमने क्लस्टर बना लिए बेटा। क्लस्टर कैसे बनाया है, सारे चैप्टर्स को इन कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया है, जैसे मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड मिसलेनियस। सर ये कैसे क्लस्टर्स बना है, मैंने कहा अभी समझाऊंगा कि मैकेनिक्स 1 में हमने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, मैकेनिक्स 2 में हमने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, ऑप्टिक्स में हमने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमने कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, एटसेट्रा। तो देखते हैं पहले कि क्लस्टर का फॉर्मेशन कैसे करा गया है। तो यहाँ पर मैकेनिक्स 1 में अगर आप देखोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर हमने रोटेशन तक के सारे चैप्टर रखे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, मोशन इन 1D, 2D, रिलेटिव, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन, ये सब मैकेनिक्स 1 के क्लस्टर में है। मैकेनिक्स 2 के क्लस्टर में हमने क्या रखा, हमने रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स, SHM एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये मैकेनिक्स 2 का एक क्लस्टर है। थर्मोडायनामिक्स में हमने क्या रखा है, KTG, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब कैलोरीमेट्री हो गई, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, एंड हमने रखा है यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स। तो ये तीन चैप्टर हैं इस क्लस्टर में। इस क्लस्टर को ध्यान से देख लेना, हम इस क्लस्टर के अकॉर्डिंग ही आगे की एनालिसिस करेंगे और अपना रोड मैप डेवलप करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर EMI AC तक, तो यहाँ पर सब कवर हो जाएगा। आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, AC एंड EMI हो गया। तो ये पूरा एक क्लस्टर हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। ऑप्टिक्स में रखा है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में क्लस्टर है ही सही, और मिसलेनियस में हमने यहाँ पर रखा है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड सेमीकंडक्टर्स।
तो आई होप ये क्लस्टर आपको याद हो गए हो, बहुत ही सिंपल क्लस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे करिए। अब देखते हैं कि इन क्लस्टर का क्या क्या वेटेज रहा है प्रीवियस ईयर्स में। तो यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखो 2023, 2022 एंड 2021 का ये डेटा मेरे सामने है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत हाई वेटेज रखती है, 27% 2023 में, 27% 2022 में, 24% 2021 में, इतना हाई वेटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। मैकेनिक्स वन का भी लगभग उतना ही वेटेज है, और थोड़ा मैं कहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हल्का सा ज़्यादा ही है। मैकेनिक्स टू का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है लगभग, आप ऐसा मान सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर वेटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो मन में क्या ख्याल आता है कि हमको पहला चैप्टर कौन सा रिवाइज करना चाहिए, सबसे पहले बताओ, सबसे पहला चैप्टर कौन सा रिविजन लेना चाहिए जिसका वेटेज ज़्यादा हो। तो बच्चे के मन में क्या आएगा, बच्चे के मन में आएगा कि सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैकेनिक्स वन, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिवाइज कर लेता हूँ मैं, या फिर मैं रिवाइज कर लेता हूँ मैकेनिक्स वन, इनका वेटेज ज़्यादा है तो मैं पहले ये रिवाइज कर लेता हूँ। बट मेरे प्यारे बच्चों मुझे बात बताओ कि मैकेनिक्स वन जब आपने पढ़ी थी क्लास 11 में तो कितना टाइम लिया था उसको पढ़ने के लिए, यूनिट डायमेंशन से लेके रोटेशन तक की मैं बात कर रहा हूँ, कितना टाइम लिया था, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 months लग गए होंगे इसको पढ़ने में। हाँ, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टिल EMI AC, अगेन 3 to 4 months लगे इसको पढ़ने के लिए। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे तो अगेन आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो आपको इस ऑर्डर में नहीं रिवीजन करना कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लेते हैं या मैकेनिक्स वन कर लेते हैं फिर दूसरा अकॉर्डिंगली कर लेंगे और आगे इसी सीक्वेंस में कर लेंगे, नहीं, यहीं पर पूरी का पूरा खेल है। इफेक्टिव रिवीजन करना है, मतलब कम समय में मैं ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाऊँ। इससे क्या होगा, जब आप भाई सिलेबस तो पूरा ही कंप्लीट करना है, लेकिन स्टार्टिंग अगर ऐसे करोगे कि कम टाइम में आपको लगेगा यार इतने मार्क्स तो मैं अचीव कर ही लूँगा, फिर इतना करने पे इतने मार्क्स तो मैं अचीव कर ही लूँगा, तो अंदर से जो मोटिवेशन है ना वो डेवलप हो जाता है, और जब अंदर का मोटिवेशन डेवलप होता है तो आगे जो चुनौतियाँ आती है उनको आप बहुत ईजिली फेस करते चले जाते हो और बहुत आसानी से आपका जो पाथ है ना वो ईजी हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझते हैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर बच्चे को करना चाहिए। अगेन दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी डिफरेंट, बट आप समझिए मैं लॉजिक पे बात करूंगा, वैसे ही फिजिक्स का फैकल्टी हूं तो बिना लॉजिक के हम बात नहीं करते। मॉडर्न फिजिक्स को अगर मैं बोलूं तो मैं इसको नंबर वन पोजीशन पे रख रहा हूं कि सबसे पहले बच्चे को मॉडर्न फिजिक्स कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा जेई मेंस का जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देकर आए होंगे 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से हर बच्चे को मिले होंगे पेपर के अंदर, यस और नो, और ये लेगा भी कम टाइम। आपको पता है यार जब आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी क्लास में भी तो कितने से टाइम में कवर हो गई थी, है ना, 1 month भी पूरा नहीं लगा था मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो छोटा टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, हाई वेटेज भी है, तो मॉडर्न फिजिक्स को पहले निपटाओ। दूसरी बात, एक तीर से 2 निशाने, मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट केमिस्ट्री में भी है ना, कि यहाँ पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, या केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो इधर वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो कम समय के अंदर आप बहुत ईजिली इसको कवर कर सकते हो, तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स निपटाओ। सेकेंड पॉइंट जो मैं दूंगा वो दूंगा कि आपको जो सेकेंड चैप्टर करना चाहिए मेरे हिसाब से वो करना चाहिए बेटा थर्मोडायनामिक्स, इसको डालो नंबर 2 पोजीशन पर। अगेन छोटा क्लस्टर है, बहुत इजीली हो जाता है, और वही बात है इसमें भी 1 तीर से 2 निशान है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री में भी है, तो केमिस्ट्री वाला काम भी हो जाएगा, फिजिक्स वाला काम भी हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिला ही मिला होगा अपने पेपर के अंदर, तो बहुत ईजिली बच्चा इसको कर लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इन दोनों चैप्टर के साथ क्या है, कोई लिंकेज नहीं है पूरी फिजिक्स के साथ। आपको कुछ आपका कुछ पोर्शन छूटा हुआ भी है ना, आपने उसको कवर नहीं कर रखा या वो अच्छे से आता नहीं है, तो लिंकेज नहीं बनेगा। इसका मतलब कि भाई मॉडर्न फिजिक्स किसी और के साथ लिंक नहीं रखती है। आपको मान लो मैकेनिक्स 2 में दिक्कत आ रही है पर मॉडर्न फिजिक्स मैकेनिक्स 2 का कोई काम नहीं आएगा, देर विल बी नो रिलेशन बिटवीन दीज। तो ये इंडिविजुअल टॉपिक्स है, तो बच्चा इजीली कर भी लेगा, सीख भी लेगा और कम समय में कर लेगा, इस बात का ध्यान रखना। प्लस 1 तीर से 2 निशाने तो लग ही रहे हैं। थर्ड नंबर जो मैं दूंगा वो दूंगा मैं ऑप्टिक्स को बेटा, थर्ड नंबर पर आप कर लीजिए ऑप्टिक्स। अगेन मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, आपको पता है रे ऑप्टिक्स में, हाँ वेव ऑप्टिक्स में जरूर आपको थोड़ी बहुत वेव की नॉलेज लगेगी, लेकिन 100% कोर्स तो कंप्लीट कर चुके हो ना, तो मुझे लग रहा है बच्चा इतना रिलेट कर लेगा। इस सीरीज में अगर आप इन तीनों क्लस्टर को निपटा लोगे ना, तो आप देख पा रहे हो 9 + 7 + 8 ये तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं, देख ये बना रहे 24%। अब सोचो 24% ही यहां पर कहीं आपको दिख रहा था, 27, 28 वही, तो आपने लगभग इनके बराबर काम कर लिया है और कम समय में कर लिया है। अगर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिवाइज करने जाता ना तू बेटा, तो भी तुझे इन तीनों को रिवाइज करने में जो टाइम लगेगा उससे ज्यादा लगता है।
और तब तेरा कितना कवर होता है 27%। और जब इतने टाइम से तू केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ रहा होता ना, तो अंदर से एक डीमोटिवेशन आ जाता है यार, खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, वैरायटी तूने कवर कर ली तो दिमाग को भी अच्छा लगता है यार, मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ ली, ऑप्टिक्स भी पढ़ लिया और थर्मल भी पढ़ ली, तो क्या अंदर से ऐसी फील आती है, हम ह्यूमन बींग्स है यार, मेरा तो बहुत सारा कोर्स हो गया है, 24% कंप्लीट हो गया, अंदर से मोटिवेशन आएगा। फिर अब आप क्या लो, फिर आप लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, इसको अपन नंबर रखते हैं 4। इसका नंबर 4 क्यों रख रहे हैं, इसका नंबर मैं 4 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड्स भी तो देना है, तो बोर्ड्स में पूरा काम आएगा। देखो मॉडर्न फिजिक्स बोर्ड्स में काम आएगा, है ना, ऑप्टिक्स बोर्ड्स में काम आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोर्ड्स में काम आएगा, तो बोर्ड्स की तैयारी भी साथ साथ चल रही है, समझ रहे हो मेरी बात, आप थोड़ा बहुत बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आप ये चीज़ें कवर होती चली जा रही है, ये बात समझो, क्योंकि 12th क्लास वाला बच्चा अभी बोर्ड्स भी देगा तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना है। हेंस ये सीक्वेंस बढ़िया है, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप 5th पे मैकेनिक्स 1 ले लीजिए, इसको दे दीजिए 5th नंबर, है ना। 6th ले लीजिए मिसलिनियस, सर 6th को मैकेनिक्स 2 को क्यों नहीं दिया आपने 6th नंबर, मैंने कहा समझो मैकेनिक्स 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके अंदर है वेव्स, उसके अंदर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ना चाहते हुए भी बच्चा इन चैप्टर से थोड़ा बहुत डरता है। इसमें हम को भी पता है ये बात कि आते क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है डरने का, लेकिन वो अंदर से एक फियर डेवलप कर रखा है बच्चे ने, पता नहीं क्यों, कि वेव्स हार्ड होता है, फ्लूइड थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए मैं इसको लास्ट पोजीशन पर कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम के जस्ट थोड़े टाइम पहले इसको रिवाइज करके जाओगे और इसको पढ़कर जाओगे तो आप फोड़ दोगे एग्जाम में, पक्की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में कहीं पढ़ लोगे तो वहां पर जाते 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 वापस कहीं ना कहीं बच्चा भूल जाता है या फिर उसको आप पर डर लगने लग जाता है, है ना। और 6th मिसलेनियस को क्यों दिया, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर अगेन बोर्ड से रिलेटेड कुछ कुछ चैप्टर है, प्लस मिसलेनियस बहुत आसान है, एरर पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा नहीं था, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, और आपको पता है अब तो सेमीकंडक्टर में भी ज़्यादा कुछ बचा नहीं क्योंकि ट्रांजिस्टर तो सिलेबस से हटा दिया, तो लॉजिक गेट्स हैं, थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर है, जीनर डायोड वगैरह, पीएन डायोड, दैट्स इट, तो आप बहुत सिंपली इसको कर लोगे, इसलिए मैंने इसको 6th पोजीशन दे दिया। तो अगर आप इस सीक्वेंस में अपनी पढ़ाई को लेकर जाओगे तो बहुत ईजिली कोर्स भी कंप्लीट कर पाओगे और कभी भी डीमोटिवेटेड भी नहीं होगे जर्नी में, जो जर्नी है आपकी आगे की, प्लस जो बोर्ड्स का टच है वो आपको मिलता रहेगा, तो आप बोर्ड्स के लिए भी ज़्यादा फिक्र नहीं करोगे कि यार मैं तो 11th पढ़ रहा हूँ, देने बोर्ड्स हैं, तो क्या मिसमैच हो जाता है पूरा, और फिर बच्चा पूरा उस जाल में फंस जाता है और कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, नेट आउटपुट एंड में 0 हो जाता है रैंडमाइजेशन की वजह से, तो इस बात का ध्यान रखना, है ना। अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि अब अपन देखते हैं चैप्टर वाइज खेल, बड़े ध्यान से देखो मैकेनिक्स 1। अब यहाँ देखना 2023 में 24 शिफ्ट्स हुई, 2022 में 22 शिफ्ट्स हुई, 2021 में 26 शिफ्ट्स हुई, है ना। अब उसमें मैकेनिक्स 1 में आप ये देखो 13 क्वेश्चन आए सेंटर ऑफ मास से, इन 24 शिफ्ट्स में 13 क्वेश्चन कहाँ से आए सेंटर ऑफ मास से, और ग्रेविटेशन से कितना है माई डियर 39 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में आप देख रहे हो लगभग 1.5 क्वेश्चन करीब बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर, इजीली होने वाला भी, सेंटर ऑफ मास से बच्चों को डर लगता है बट वो पूछा कम जा रहा है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको जो हमारी तैयारी है ना, इस डेटा को बहुत ध्यान से देख लो, है ना। वर्क एनर्जी पावर 26 क्वेश्चन आया भाई, और कितनी शिफ्ट्स थी 24, मतलब लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आया, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी आ गए यहाँ से, है ना। तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी रखनी है, आपको घबराना नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो मैकेनिक्स 1 का यहाँ पर मैंने वो भी दिखा दिया है आपको कि चैप्टर वाइज, ये पूरा क्लस्टर था चैप्टर वाइज कौन सा ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो कहोगे सर यहाँ तो 24 ही है और यहाँ NLM में 30 आ गए, ये देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 30 आ गए, तो बेटा ये वेरिएशन तो हमेशा चलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले निपटा देना है। प्लस मैकेनिक्स 1 में रहता है हाई लिंकेज, लिंकेज मतलब भाई अगर आपने लॉज ऑफ मोशन ढंग से नहीं पढ़े, लॉज ऑफ मोशन ढंग से नहीं पढ़े, आपको वर्क एनर्जी पावर समझ में नहीं आएगा, आपको सेंटर ऑफ मास समझ में नहीं आएगा, आपको रोटेशन समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो इसको तो एक सीक्वेंस में ही पढ़े, इसको एक ऑर्डर में ही पढ़े, है ना। ये डेटा जरूर मैंने दिखाया क्योंकि ग्रेविटेशन एक अलग भागता है और बच्चा इसको छोड़ जाता है जल्दबाजी में, तो उसको छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो ऑसिलेशंस 23, 15, 36, है ना, और वेव्स 20, 22 एंड 19। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आउट ऑफ दी शिफ्ट किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और हर शिफ्ट में क्या लगभग एक क्वेश्चन उस चैप्टर से आया या नहीं आया, पहले उनको निपटा दो। उसके अंदर भी अगर लिंकेज नहीं है, लिंकेज है
भाई बिना ऑसिलेशन के आप वेव्स नहीं पढ़ सकते, सीधी गणित है। पहले ऑसिलेशन समझ में आना चाहिए, फिर वेव समझ में आएगा। तो अगर लिंकेज है तो आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना, और लिंकेज नहीं है तो पहले उन चैप्टर को निपटाओ जहां से गारंटी है कि यहां से तो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, है ना। उससे मोटिवेशन रहेगा बस अंदर, और कुछ नहीं है। सिलेबस पूरा ही कंप्लीट करना है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे डेटा है, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके समझ सकते हो बातों को। जैसे कि आप यहां देख सकते हो थर्मोडायनामिक्स अलग ही भागते हुए दिख रहा है आपको बाकी इन दो चैप्टर से, और ये है भी अलग ही, इनका कोई इधर से कोई बहुत बड़ा लिंकेज तो है नहीं, थोड़ा छोटा मोटा लिंकेज है जिसको आप बिना पढ़े भी समझ सकते हो। तो थर्मोडायनामिक्स अगेन आउटशाइन करा है आउट ऑफ दीज थ्री, है ना। बट मेरा 100% यही मानना है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, है ना। अब वो आपकी इच्छा, आपको किस तरीके से यहाँ पर कवर करना है। आप स्क्रीन को पॉज करके इस डेटा पर एक बार नज़र डाल सकते हो, बट अगेन मैं कह रहा हूँ अगर लिंकेज है तो ऑर्डर में ही पढ़ना बेटा, और अगर लिंकेज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेटा आप अपना खेल खेल सकते हो। तो ये सारे डेटाज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मॉडर्न फिजिक्स में भी देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर बाकी दोनों से आउटशाइन करा है हर बार, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, इसका ध्यान रखें, है ना, इस बात का ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में देखो, रे ऑप्टिक्स अगेन आउटशाइन करा है 33, 28, 31, इसलिए मैंने कहा था ऑप्टिक्स पहले निपटा देना भाई, है ना। अब आपको पता है क्या, यहाँ देखो रे ऑप्टिक्स 33 क्वेश्चंस, समझना बेटा 24 शिफ्ट में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ देखो इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ रहे हैं, है ना। किसी एक से ज्यादा आ रहा था, किसी एक से कम आ रहा था, लेकिन वहां पर कितना सिंपल काम हुआ, इसलिए मैंने ऑप्टिक्स को ऊपर रखा था। आप देखो ऑप्टिक्स, चल रे ऑप्टिक्स एक ही तो चैप्टर पढ़ना है भाई, समझ लो मैंने सीक्वेंस कैसे बनाई है कि मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स को अपन ने पहले प्रीफर क्यों करा अपनी पढ़ाई में। कम टाइम में हो जाएंगे, कम चैप्टर है, लिंकेज नहीं है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वहां से फॉर्म नहीं होती, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट होते चले जाते हैं। कम टाइम में बच्चा अपना मोरल बूस्टअप कर सकता है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है, और आगे की जो जर्नी है उसको बहुत इजीली लेकर जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, मिसलेनियस की भी बात देख सकते हो आप, सेमीकंडक्टर आउटशाइन कराएं यहाँ भी, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर आउटशाइन करा है तो इसको तो सबसे पहले निपटाओ। ईएम वेव्स तो आधे दिन में हो जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जरूर जाता है, और मैं वही कह रहा हूँ मानो छोड़ कर गए। अब मानो देखो 24 शिफ्ट में केवल 4 क्वेश्चन यहाँ से आए, बट आप जब छोड़ कर जाओगे ना तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिख जाता है, पता नहीं क्या है, होता है ऐसा, इसलिए छोड़ कर कुछ नहीं जाना। दिखने में बहुत छोटा नंबर है कि 24 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए सर, क्यों पढ़ कर जाए इसको छोड़ जाते हैं, नहीं भाई, एक एक क्वेश्चन तेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि एक एक मार्क्स की लड़ाई है अब, है ना। वैसे ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, सेकेंड अटैम्प्ट है, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। इस सीक्वेंस में अगर फिजिक्स को पढ़ोगे तो कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे, प्लस आपका जो बोर्ड्स के साथ आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है वो भी मेंटेन हो जाएगा, और जेई मेंस 2 में आपकी रैंक और आपकी परसेंटाइल जरूर बूस्टअप होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप बने रहिए एलएनजेई के साथ।